आजकल जहाँ स्लिम वेट ट्रेंड में है, वहीं पे कुछ लड़कियाँ इरिटेट हो चुकी है सुन सुन कर मैच स्टिक्स और स्टील की लकड़ी। जहाँ आधे से ज्यादा लड़कियाँ खाना छोड़ रही है वेट लॉस करने के लिए, वहीं कुछ लड़कियाँ बहुत खाने के बाद भी वेट गेन कर ही नहीं पा रही है। तो क्या आप या आपके दोस्त में कोई है ऐसा, तो ये वीडियो आप जरूर देखें और दोस्तों को भी दिखाइए। आज हम बताएंगे आपको वो फूड और जूसेस के बारे में जिससे आप इजीली वेट गेन कर सकते हैं। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले है मिल्क, जो हमें आसानी से मिल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, मिल्क को प्रोटीन्स भी कहा जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ज्यादातर एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के बाद मिल्क पियेंगे तो वो आपको मसल बिल्ड करने में ज्यादा हेल्प करता है। जहाँ आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं, वही अगर आप 2 ग्लास मिल्क लेते हैं खाने के बाद, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। दूसरा आता है रेड मीट, यानी कि लाल मांस, जो कि हर डाइट प्लान में इंक्लूड होता ही है। रेड मीट के अंदर ल्यूसिन और क्रिएटिन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपको मसल प्रोटीन स्टिम्युलेशन और न्यू मसल टिश्यू बिल्ड करने में हेल्प करता है। रेड मीट के अंदर प्रोटीन और फैट्स होते हैं, जो आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करते हैं, पर ध्यान से, क्योंकि ओवर कंजम्पशन आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है एग्स, जो कि सबसे अच्छा मसल बिल्डिंग फूड है। ज्यादातर एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स एग बहुत खाते हैं वेट गेन करने के लिए। एग हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स को मिलाता है, और जो एग के अंदर का पार्ट है, जिसे एग योक कहते हैं, वो सबसे बेनिफिशियल एलिमेंट होता है। और अगर आप एग नहीं खा सकते तो आप अपने आप को ज्यादा फोर्स ना करें, बट अगर दिन में 2 या 3 बार खा लिए तो काफी है। अगला है ब्राउन राइस, जिसे होल ग्रेन कहते हैं। ब्राउन राइस में ज्यादा फाइबर, विटामिन और मिनरल्स रहते हैं, जो कि प्लेन राइस से काफी प्रोडक्टिव रहते हैं। सिर्फ 1 प्लेट ब्राउन राइस आपको कार्ब, कैलोरीज और फैट्स के बराबर ताकत देता है। ब्राउन राइस आसानी से खा सकते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स और सीरियल्स के साथ खाने पर आपको इजीली वेट गेन करने में हेल्प कर सकता है। पर ज्यादा ब्राउन राइस आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल आर्सेनिक और फाइटिक एसिड कंटेंट है। आर्सेनिक आपके पेट में टॉक्सिसिटी पैदा करता है, और फाइटिक एसिड जिंक एंड आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करता है। तो ये थे दोस्तों 4 तरीके के फूड जो आपको वेट गेन करने में मदद करता है। और अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट्स पे क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।